नमस्कार, आपका स्वागत है जीएस वर्ल्ड के डेली करंट एक्सप्रेस में। हमारी आज की चर्चा का विषय है मिस्र में मिले भारत की प्राचीनतम लिपि के शिलालेख। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। अफ्रीकी देश इजिप्ट यानी मिस्र में प्राचीन भारतीय लिपि से जुड़े शिलालेखों की महत्वपूर्ण खोज हुई है। पोलैंड के प्रोफेसर मारेक वोज्नियाक ने इस शिलालेख को ढूंढा है। इजिप्ट के बेरेनिके मंदिर में खुदाई के दौरान यह लिपि मिली है। इस शिलालेख का मिलना उस दौर में भारत की महत्ता को दर्शाता है। यह भारत की सांस्कृतिक संपन्नता और सभ्यता के प्रभाव का उदाहरण है। इस शिलालेख के साथ ग्रीक यानी यूनान इंस्क्रिप्शन भी है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है यह भारतीय दर्शन और ग्रीक दर्शन के बीच इंटरेक्शन का भी उदाहरण हो सकता है। पिछले 100 वर्षों में एपिग्राफी से जुड़ी इतनी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है। जो शिलालेख इजिप्ट में मिला है वह ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी संस्कृत लिपि कुषाण काल से जुड़ी है। इजिप्ट यानी मिस्र में ब्राह्मी लिपि का मिलना भारतीय इतिहासकारों के लिए जिज्ञासाओं का विषय बन गया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इसकी जानकारी नहीं थी। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार अफ्रीकी देशों के साथ होता रहा है। उन देशों में भारत में बनी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, लेकिन किसी लिपि का मिलना और वह भी लंबी स्क्रिप्ट, यह अपने आप में बहुत मायने रखती है। गौरतलब है कि ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। अशोक के अभिलेखों के रूप में यह लिपि उपलब्ध है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि अगर किसी वस्तु, आमतौर पर मिट्टी के किसी बर्तन या घड़ा पर स्क्रिप्ट मिलती है तो इसे आप व्यापार से जोड़ सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि व्यापारिक लेन देन की वजह से अमुक वस्तु वहां भेजी गई होगी। एपिग्राफी पुरातत्व विज्ञान की एक शाखा है जिसमें विभिन्न प्राचीन भाषाओं और संकेतों वाली लिपियों को पढ़ा जाता है। यह इतिहास के बारे में सटीक जानकारी जुटाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसकी मदद से पाषाण, ताम्रपत्रों, लकड़ी आदि पर लिखी प्राचीन लिपियों को पढ़ा और समझा जाता है। अब बात करते हैं इस खबर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न की, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में इजिप्ट यानी मिस्र में प्राचीन भारतीय लिपि से जुड़ा शिलालेख खोजा गया है। दूसरा कथन है, एपिग्राफी पुरातत्व विज्ञान की एक शाखा है जिसमें विभिन्न प्राचीन भाषाओं और संकेतों वाली लिपियों को पढ़ा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसके चार विकल्प हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जीएस वर्ल्ड।